उड़ान तो भरनी है, चाहे कितना ही क्यों ना गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं वापस से आ गई हूँ दीदी के यहाँ। आ रही है ये छोले बना रही है ना दीदी, छोले चावल। उधर ग्रेवी बन रही है, इधर छोले बॉईल हो रहे हैं। बस वो तैयार हो जाएगी तो बस फिर बना देंगे। इतने साल से तो मैं आई नहीं, अब आई तो अब जल्दी जल्दी आ गई दो बार। किस लिए दीदी? अब फूल भी तो कितना बड़ा है, देखो भरा हुआ एकदम। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और उसके बाद देखिए बालना भी क्लचर लगा लिया है, क्योंकि थोड़े गीले हो जाते हैं ना, थोड़ा क्लचर वगैरह लगा लो तो सही रहते हैं। और वैसे भी मैंने बाल धोए थे कल ही और फिर वो ऐसे ही बांध लिए थे, तो फिर ऐसे ही थे गीले गीले। और आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है शायद बारिश आने वाली है। और वैसे भी बताया था ना कि 24-25-26 इस टाइम पर शायद बारिश आ सकती है, तो बारिश का मौसम हो रहा है। और अभी देखते हैं क्या बनाना है लंच में। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि दीदी को मेरे हाथ की मैगी पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मैं मैगी बना के खिलाती हूँ तुम्हें। तो देखते हैं क्या चल रहा है। दीदी, अच्छा दीदी तो शायद कपड़े वगैरह धो रही है, मशीन चल रही है तो इधर है दीदी। तो दीदी यार मौसम तो खराब हो रहा है दीदी, पर है ना, वैसे भी 26 जनवरी को बारिश ना आई तो बेकार। आने वाली है ना, थोड़े वैसे तो हो गए सूखे सूखे से। ये तो है, थोड़ी सी पहले निकली थी ना धूप, अब तो खैर कहीं ना निकलती। हाई कर दो, मैं मैगी बना रही हूँ, ठीक है बना। इधर मैं बना रही हूँ ये मैगी। और ये ना मैं दो तीन दिन के लिए गई थी। एक दिन तो शाम को पहुँची थी, दीदी के यहाँ पर गए थे, भाभी का एग्ज़ाम था तो 2-3 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो ये मैंने 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ ही बनाया है। ये है 25 जनवरी का व्लॉग। तो बस मैं बना रही हूँ ये मैगी सारी सब्जियाँ डालकर, फिर मैंने ना उसमें थोड़ी सी मैक्रोनी भी डाल दी थी, बहुत अच्छी लगती है मैगी मैक्रोनी साथ में मिक्स करके बनाओ। और हम तीनों ऐसे ही बैठे हुए थे यहाँ पर, तो तारक मेहता चला रखा था, तो सब ऐसे ही हंस रहे थे, मस्ती सी कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है मस्ती करते करते, कब टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यार बहुत ही खराब हो रहा है मौसम है ना, थोड़ी धूप होती तो सही रहता। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने आपको बताया ना कि आज मौसम बहुत ठंडा है, पता नहीं कैसे धूप नहीं निकली। और वैसे ऐसा होता है कि 25 या 26 जनवरी के आसपास ना धूप निकलती भी नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा घूमने, मैगी वैगी खा के, अभी लंच वगैरह नहीं किया है, थोड़ा सोचा कि घूम आए। मैं तो अभी आई थी कुछ दिन पहले, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखा, और भाभी आई हैं पहली बार, वो अभी पीछे हैं, हम लोग आगे आ गए हैं घूमते घूमते। तो बस थोड़ी देर के लिए घूम रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे घर, फिर देखते हैं कि लंच में क्या बनाना है। क्या बनाएगी दीदी? मतलब क्या खाएंगे? तो बाहर से ही मंगा लेंगे, चल देख। हाँ देखते हैं, चलो। तो फिलहाल तो बस घूम रहे हैं।
दीदी के यहाँ पर घूमने की बहुत अच्छी जगह है, आसपास इतने खूबसूरत पार्क वगैरह हैं, हम रोज़ घूमने जाते थे। और देखिए हमने मंगाई थी ये थाली जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने बोला कि दीदी वही मंगाते हैं, आज फिर से वही ट्राई करते हैं। और फिर दोपहर में मैं सो गई थी, शाम में उठी थी तो नींद आ रही थी मुझे, दीदी बोली चाय पिला दे, तो मैं बना रही हूँ सबके लिए ये चाय। सर्दी के मौसम में ना अगर दिन में सो जाओ तो फिर आलस आलस सा आता ही रहता है। तो चाय वगैरह पी के मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि खाना खा के ना लेट गए थे, और जब लेट जाओ तो पेट भी थोड़ा ऐसे हो जाता है भरा भरा सा। तो थोड़ी देर बाहर घूमे, और बाहर निकली तो मैंने देखा कि हल्की सी बारिश आई हुई है, क्योंकि सड़क पे ना हल्का सा पानी था, जैसा झरना जैसा आया है शायद, तो पता चल रहा है कि बाहर हल्की फुल्की बारिश आई है, हालांकि ज़्यादा तेज़ नहीं आई। मौसम तो ऐसे हो रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी तेज़ बारिश आएगी सुबह से ही। घूम के आने के बाद फिर सब लोग आ गए थे, मौसा जी भी आ गए थे, तो फिर सबने खाना वगैरह खाया, सबको खाना दिया, फिर हम तीनों ने भी खा लिया था खाना। उसके बाद फिर हम लोग गए वापस से घूमने, मुझे वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि बस घूमते ही रहो इधर उधर। अच्छा हो रहा है, ठंडा है पर इतना भी नहीं है कि बहुत ही ठंडा हो। और अब आ चुके हैं घर वापस। गुड मॉर्निंग, तो ये है नेक्स्ट डे सुबह सुबह की क्लिप। तो दीदी बना रही है ये गर्मा गर्म रोटियां, और आज है 26 जनवरी। और दी क्या बनाया सब्जी में? आलू गोभी रायता बनेगा भी। अच्छा, तो ये है गर्मा गर्म गोभी आलू की सब्जी, और साथ में बन रही है रोटी, और मैं तो बस अच्छा रायता बनेगा, मैं अभी बस नहाने जाऊंगी और फिर खाऊंगी गर्मा गर्म खाना। ये दीदी पार्क में चलेंगे, ठीक है? आज तो वहाँ पे वो होगी ना फ्लैग होस्टिंग। चलो तो फिर पहले चलते हैं वहाँ पे, और मैं फटाफट से पहले नहा लेती हूँ। और बच्चे स्पीच दे रहे थे, कुछ पोयम गा रहे थे, कुछ सॉन्ग वगैरह, तो वही हम लोगों ने देखा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्रेज़ होता भी है, हालांकि होना भी चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। 26 जनवरी, जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा गणतंत्र दिवस, तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो दीदी ने बोला कि चलो पार्क की तरफ चलते हैं, और आज ना मैं ऐसी आ गई थी, फिर मैं वापस आई घर, और वापस से जैकेट डाल कर आई हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। तो मैं ऐसी चली गई थी खाली ये स्वेटर ही डालकर, फिर मैं वापस घर आई, क्योंकि 5 मिनट की दूरी पर ही है, फिर जैकेट डाल के जा रही हूँ वापस। देखते हैं अभी क्या चल रहा है, बच्चे वगैरह स्पीच दे रहे थे, और शायद छोटी मोटी चीज़ें और होंगी, तो देखते हैं। आप भी ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। लीजिए, वापस से मैं आ चुकी हूँ यहीं पर, और देखिए फिर हमने पी चाय, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस, थोड़ा बहुत डांस देख के बच्चों बस, का अब जा रहे हैं वापस, चाय वाय पी ली है। हाँ चाय पी ली, अब चल रहे हैं वापस, बस फिर जाना है, खाना भी तो खाना है अभी, खाना वाना खा के फिर ये लोग निकलेंगे। मैं और दीदी लगा रहे हैं खाना सबके लिए, मतलब हम चारों के लिए, जीजू मैं दीदी और भाभी, हम चारों ही थे, तो बस हम लोग लगा रहे हैं खाना। और इधर देखिए ये है थाली मेरी मज़ेदार सी। उसके बाद फिर हम लोगों ने
आते टाइम खाया था पिज़्ज़ा, मेरा मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि हमारा प्लान था मार्केट जाने का और फिर हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग जल्द जल्दी वापस फिर बुलंदशहर मतलब घर ही वापस आ गए थे, जबकि हमारा प्लान तो था कि हम थोड़ा बहुत मार्केट जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी तो, लेकिन वही है कि मन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस ये है रास्ते की, जब हम वापस आ रहे थे आप देख सकते हैं मेरा मूड बहुत ख़राब था। फ़िलहाल देखिए मैं आ चुकी हूँ घर और फिर मैंने आने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसके बाद ना आने के थोड़ी देर बाद ऐसे ही बहुत थकान सी लग रही थी, सुबह भी थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी किचन में आई हूँ। बस फटाफट से पुलाव छोंक रही हूँ, भाभी कर रही हैं पूजा और मैंने सोचा कि चलो मैं ही फटाफट से पुलाव छोंक देती हूँ, क्योंकि कुछ ना ऐसा रोटी वगैरह खाने का कुछ मन नहीं था, कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन था, तो फिर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दिमाग में वो पुलाव का ही आता है और अच्छा भी लगता है, फटाफट से बन भी जाता है, तो सारी सब्जियां डालकर बस पुलाव बना देते हैं। तो बस पुलाव भी मेरा बस छुक चुका है और व्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। दो तीन दिन का व्लॉग मैंने एक साथ जोड़ के बनाया है, जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने रिकॉर्ड कर ली, व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महा।